कोविड-19 महामारी के चलते देश में लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक में शासन द्वारा निर्देश पर नियमों के पालन में प्रॉपर मास्क व सोशल डिस्टेंस के साथ ही सैनिटाइजेशन का निर्देश दिया गया। बात करें आजमगढ़ जिले की तो हो रहे इजाफे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 180 होना बताया गया, वहीं 6 की मौत हो चुकी है। 156 मरीजों के उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसमें अब 18 एक्टिव केस का इलाज जारी है। आजमगढ़ में न्यायपालिका के एक अधिवक्ता को कल कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद कचहरी परिसर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। यहां पर किसी भी अधिवक्ता व वादकारी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। वकील के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से यहां के जज इस कदर गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सैनिटाइजेशन का काम वो स्वयं करा रहे हैं। बातचीत करते हुए प्रभारी जिला जज लालता प्रसाद ने बताया कि कोर्ट परिसर में एक वकील के संक्रमित पाए जाने के बाद से पूरे कोर्ट परिसर को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया, जिससे संक्रमण का खतरा न उत्पन्न हो। इसके साथ ही न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी व अधिवक्ता संक्रमित न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। आगे हम लोग इस व्यवस्था में लगे हैं कि एक तो हमारे जो विद्वान अधिवक्ता हैं, वो जो बीमार हैं, वो जल्दी स्वस्थ हों, हम लोगों ने उसकी प्रार्थना किया है ईश्वर से। बाकी शासन प्रशासन से सहयोग की मांग की है। यदि शासन प्रशासन सहयोग करता रहा तो कोरोना और कोरोना के जनक को दोनों को हराएंगे। हम लोगों की ये जो है बार और बेंच का जो सामूहिक प्रयास है, इस उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं और आपको ईओ साहब और एडीएम इन सब से बात किया है, सीएमओ भी आने वाले हैं और उन लोगों ने बताया है कि हम सारी व्यवस्था कराएंगे और जो दवाइयां उन्होंने दिया है उससे सैनिटाइजेशन हो रहा है, आप देख भी रहे हैं। क्या दवाइयां हैं, क्या है? अब चूंकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, इसको हम सील करा करके अभी जो है भेजवाएंगे इसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला, तो पता चलेगा इसमें क्या क्या दवाइयां पड़ रही हैं। जी जी, सैनिटाइजेशन का तो वैसे नियम यह है कि दिन में 2 बार होना है और इधर अभी 24 घंटे में इसको पूरा बिल्डिंग पूरा कैंपस टोटली सैनिटाइज करा के रिपोर्ट लेने के बाद ही कोर्ट खोलने का प्लान है। यदि ये पाया जाता है कि टोटली सैनिटाइजेशन नहीं हो पाया है तो आगे इस पर भी विचार हो सकता है। मेन लक्ष्य यह है कि हमारा कोई वादकारी, कोई अधिवक्ता, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई कांस्टेबल उस बीमारी का शिकार ना हो जाए। न्याय की प्रत्याशा में, न्याय के सहयोग के लिए जो लोग लगे हैं, कहीं वो न भेंट चढ़ जाए, उनको बचाने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं।